सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए लुपिहलर टी इनहेलर्स। लुपिहलर टी इनहेलर्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ करना चाहिए और किस प्रकार इसको यूज़ किया जाता है, लुपिहलर टी इनहेलर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं। लुपिहलर टी इनहेलर्स जो कि हमारे पास है, जिसको लुपिन्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नॉनसेंस कंपनी है। लुपिहलर टी इनहेलर्स की एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 320 यानी कि 320 रुपीज़ के करीब इसकी एमआरपी है। लुपिहलर टी इनहेलर्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ अस्थमा के मरीजों के लिए किया जाता है, यानी कि जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। सरल भाषा में बताया तो उसका यूज़ यानी कि जो सांस लेने में जिसको तकलीफ होती है उसकी जो कैप्सूल्स आती है, यानी कि बॉडी ट्रोल्स 200 छोटा कैप्सूल होता है, तो उसकी कैप्सूल्स को तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि इस कैप्सूल्स को इसमें भर के तोड़ के फिर इसको खींचा जाता है, यानी कि इसको मुंह में रख के अपने सांसों को अंदर खींचा जाता है, तो वो गोली रहती है वो टूट जाती है और पाउडर अपने मुंह में चला जाता है। तो इसको तोड़ने के लिए इस लुपिहलर टी इनहेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लुपिहलर टी इनहेलर्स को यूज़ करते वक्त अपने कैप्सूल्स अंदर डालिए तो वो एक ही बार प्रेस करे और उसके बाद उसको छोड़ दे और अपने मुंह में रखे और कैप्सूल्स को खींच ले और कैप्सूल टूटने के बाद यानी कि यूज़ करने के बाद कैप्सूल्स को अपने डस्टबिन में फेंक दे और इसको हफ्ते में एक बार धोए, यानी कि लुपिहलर टी इनहेलर्स को हफ्ते में एक बार धोया जाता है जिससे इसे इसके साफ सफाई बनी रहती है। लुपिहलर टी इनहेलर्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। लुपिहलर टी इनहेलर्स का वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल या यूजफुल से लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।